इस समय हम लोग दिल्ली में मेहरौली के कुतुब मीनार के पास हैं, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बनवाया। लेकिन जब वो इस इमारत को बनवा रहा था, बीच में ही उसको पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई। इस इमारत को पूरा कराने का काम इल्तुतमिश ने किया। चलिए हम जानते हैं इसकी सभी हिस्टोरिकल चीज़ों को। कुतुब मीनार के पहले चलिए हम देखते हैं कि इसके बनने के पहले भारत में हो क्या रहा था। 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराई होती है, जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। मोहम्मद गौरी युद्ध जीतने के बाद अपने गुलाम, जो कि उसका दामाद भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी संभालने को दे देता है, और ऐसे दिल्ली सल्तनत पे पहला गुलाम शासक बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली की सभी पावर कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आ जाती है। जब भी कोई राजा बनता है तो सोचता है, मैं अपने शासन काल में ऐसा काम कर लूं कि आने वाले सदियों में भी मेरा नाम हो। आप इसको आज के समय में देख सकते हैं, मोदी सरकार ने 182 मीटर स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाई है गुजरात में, जो कि विश्व की सबसे ऊंची स्टेचू है। इससे पहले चाइना में 128 मीटर का स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की स्टेचू थी। मोदी सरकार ने स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बना के इतिहास में अपने शासन काल को ऐड कर लिया है। वैसे ही जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का राजा बनता है तो वो भी सोचता है कि मैं भी कुछ ऐसा इमारत बनाऊं। उस समय 62 मीटर की मीनार सबसे ऊंची मीनार थी, जिसका नाम जाम मीनार था, वह अफगानिस्तान में था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने उससे बड़ी मीनार बनाने की ठान ली। उसने कुतुब मीनार बनाने का काम शुरू करवाया। कुतुब मीनार का वह बेसमेंट ही बनवाया था कि अचानक एक दिन जब वो पोलो खेलता है, पोलो में दरअसल घोड़े पे बैठ के एक स्टिक से और गेंद को मारा जाता है, जब वो पोलो खेल रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसका पैर फंस जाता है और वो वहीं पे गिर के मर जाता है। उसका सपना सपना रह जाता है। फिर बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, वह अपने ससुर जी के सपने को आगे करने का काम करता है और दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल को इल्तुतमिश बनवाता है। बाद में जब तुगलक डायनेस्टी आती है तो फिरोज शाह तुगलक के समय कुतुब मीनार पे बिजली गिरती है। कुतुब मीनार को रिपेयर कराने का काम फिरोज शाह तुगलक किया, और साथ ही में उसने एक और मंजिल बनवा दी, पांचवी मंजिल, और इस तरह विश्व की सबसे ऊंची ब्रिक्स मीनार इंडिया में दिल्ली के मेहरौली जगह पे बन गया, जिसमें बेसमेंट को बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल को बनवाया इल्तुतमिश ने, और पांचवी मंजिल को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। कुतुब मीनार, जो कि विश्व की सबसे ऊंची ब्रिक्स मीनार है, उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे जो दरवाजा बने हुए हैं वो वेस्ट की तरफ हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप में इंडिया और सऊदी अरबिया को देखेंगे तो दिल्ली से वेस्ट में सऊदी अरबिया है। कुतुब मीनार के दरवाजे वेस्ट में इसलिए खुले गए हैं क्योंकि सऊदी अरबिया में मक्का और मदीना है, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी की तीर्थ स्थल है। माना जाता है कि कुतुब मीनार के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फ्लोर पे जो वेस्ट में दरवाजे बनाए गए हैं, ताकि कुतुब मीनार से ही अजान दी जा सके मक्का की तरफ। आप कुतुब मीनार के दीवालों पे बेहतरीन नक्काशी देख सकते हैं। इस पे जो लिखा हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं। कारीगरों ने इसको इतनी बेहतरीन ढंग से बनाया है। कुतुब मीनार में एक ऐसा भी जगह है जहां पे आप विश्व की सबसे बड़ी मीनार, जो कि 182 मीटर का है, आप पूरी मीनार को एक ही जगह से देख सकते हैं। अगर आप मेहरौली में घूमने के लिए आए तो यहां से अपनी फोटो जरूर खींचें, और आप पूरे कुतुब मीनार को एक छोटे से इमेज में देख सकते हैं। यहां से कुतुब मीनार में कुछ दुखद एक्सीडेंट भी हुए। कुतुब मीनार के अंदर सीढ़ी बनी हुई है ताकि आप ऊपर तक जा सकें, कुतुब मीनार के ऊपर मीनार तक जा सकें,
और 1976 के पहले सभी लोग ऊपर तक जाया करते थे, लेकिन तभी 4 दिसंबर 1981 में 300 से 400 लोग जब कुतुब मीनार की जो अंदर पतली सीढ़ी है पर जब चढ़ रहे थे तो अचानक अंदर की लाइट खराब हो जाती है और भगदड़ मच जाती है, जिसके वजह से ऊपर से सीढ़ियों से लोग गिर गिर के नीचे आके गिरते हैं, जिससे 45 लोगों की मृत्यु हो जाती है। उस समय स्कूल ट्रिप के लड़के भी कुतुब मीनार को देखने गए थे। इस भगदड़ में लोग जो मरे थे और इंजर्ड हुए थे उसमें बच्चों की संख्या ज्यादा थी। फिर सन 2000 में एक लड़की कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ जाती है, अपने पर्सनल टेंशन के वजह से कुतुब मीनार के ऊपर से सुसाइड कर लेती है और मर जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट कुतुब मीनार में पब्लिक की अंदर एंट्री बंद कर दी है। तब से कुतुब मीनार में कोई भी अंदर नहीं जा सकता है और ऊपर और उसके ऊपर मीनार पे नहीं जा सकता है। अगर आप दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास आएंगे तो इसके पास ही आयरन पिलर है जो कि गुप्ता डायनेस्टी के समय बनाया गया था, जिसको बनवाने का काम चंद्रगुप्त सेकंड ने किया था। चंद्रगुप्त सेकंड 375 से 415 एडी तक जिंदा रहे थे। इसी टाइम में ये आयरन पिलर बनाया गया था जो कि 7.21 मीटर ऊंची है और 6 टन से भी ज्यादा इसका वजन है। हैरानी करने वाली बात यह है कि आज से लगभग 1600 से भी ज्यादा समय हो गया है इस आयरन पिलर को बने हुए, लोहे के इस पिलर को बने हुए, लेकिन आज तक इसमें मूर्छा नहीं लगा है, इसमें जंक नहीं लगा है। दरअसल ये एलॉय के वजह से हुआ है। दो या दो से अधिक मेटल को मिला दिया जाता है तो एलॉय बनता है। इस आयरन पिलर पे फास्फोरस की लेयर पाई जाती है जिसके वजह से आज तक इसमें जंक नहीं लगा है। आप भारत के प्राचीन इतिहास में गुप्ता डायनेस्टी में ही देख सकते हैं कि भारत की शिल्प कला कितनी बेहतरीन थी। माना जाता है आयरन पिलर को अगर दोनों हाथ से पकड़ के आप कोई मन्नत मांगते हैं तो आपकी मन्नत पूरी हो जाती है, लेकिन लोग आके इसको इतना न दबा दिए कि यहाँ पे आयरन पिलर के नीचे दाग बन गया, जिसके वजह से गवर्नमेंट ने आयरन पिलर के चारों ओर बाउंड्री कर दी है और आप आयरन पिलर को छू नहीं सकते। मेहरौली के इस कुतुब मीनार के पास कुछ विवादित जगह भी हैं, जैसे यहाँ पे मंदिर के साक्ष्य पाए गए हैं, यहाँ पे मंदिर देखने को भी मिलता है। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1871 और 1872 के बीच में खोज निकाला कि यहाँ पे हिंदू टेम्पल के एविडेंस हैं, हिंदू मंदिर के साक्ष्य हैं, जिसके वजह से ये पॉलिटिकल इशू भी बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे देवी देवताओं के मंदिर के तस्वीरें हैं जिसमें जिनके चेहरों को मुस्लिम शासकों ने जिनके चेहरों को कुछ मुस्लिम शासकों ने तोड़ दिया इस मंदिर के, क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू भी बन जाता है, क्योंकि भारत में मेजोरिटी में हिंदू है, बीजेपी जो है हिंदुत्व को प्रमोट करती है, तो उसके पास ये बहाना मिल जाता है। जो मेडाइवल पीरियड में मुस्लिम राजा जो यहाँ पे शासन किए वो हिंदू टेम्पल्स हिंदू स्टेचू के साथ छेड़छाड़ किए और ये पॉलिटिकल इशू भी बन जाता है। और आप देख सकते हैं कि कैसे देवी देवताओं के मंदिरों में उनके चेहरों को तोड़ा गया है। ये कुतुब मीनार के पास ही की इमेज को आप देख सकते हैं। कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार भी है। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी सोचता है कि मैं कुतुब मीनार से भी बड़ी इमारत बना के मैं अपने नाम को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज कराना चाहता था। उसने कुतुब मीनार से भी बड़ी इमारत बनाने के लिए काम चालू करवाया। उसने बेसमेंट का पूरा काम कराया। 1311 में उसने कुतुब मीनार से भी बड़ी इमारत बनाने के लिए काम चालू करवाया। बेसमेंट का काम उसका पूरा हो गया, लेकिन उसकी 1316 में ही मृत्यु हो जाती है। ऐसे उसका सपना अधूरा हो जाता है। बदसूरत इमारत को आप देख सकते हैं।
जो कि अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार से भी बड़ा बनाने के लिए सोचता है। अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार से भी बड़ी इमारत बनाने के लिए सोचा था। आप दिल्ली के मेहरौली में अगर आइए तो कुतुब मीनार, आयरन पिलर, हिंदू मंदिर की कुछ साक्ष्य और अलाई मीनार को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।